एवरीवन, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। इस आज हम इस जनसंख्या के सिद्धांत में माल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का वर्णन करेंगे कि माल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत क्या है। अभी आगे हम लोगों को अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत भी पढ़ना है, फिर हम लोगों को जानना है जनसंख्या का ट्रांजिशन थ्योरी, विभिन्न स्तरों का सिद्धांत है, और भी कई सिद्धांत है, प्रोटीन थ्योरी वगैरह भी है। तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत आखिर है क्या, और बहुत ही चर्चित विद्वान है माल्थस। 1798 में एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक में जनसंख्या संबंधी अपने सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। माल्थस एक पादरी थे और उन्होंने यूरोप के कई देशों की जनसंख्या वृद्धि का गहन अध्ययन किया। माल्थस के सिद्धांत के तीन आधार हैं, ये जान लीजिए। सबसे पहला, जनसंख्या में वृद्धि दर। माल्थस जनसंख्या में वृद्धि दर को ज्यामितीय अनुपात में देते हैं, कहते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि दर ज्यामितीय क्रम में होती है, जैसे 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, यानी एक के बाद दो, अब दो के बाद चार होता है, मल्टीप्लाई होता है, चार के बाद 8, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 8 दूना 16, 16 के बाद 32, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। इस प्रकार से यदि कोई बाधा न हो तो किसी भी देश की जनसंख्या 25 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। माल्थस कहते हैं अगर सपोज कि भारत की जनसंख्या अभी 1.5 करोड़ है तो 25 वर्ष के बाद भारत की जनसंख्या 3 करोड़ हो जाएगी। इस तरह से खाद्य सामग्री के उत्पादन की दर, माल्थस का मानना है कि जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में खाद्य सामग्री बहुत धीमी है और ये गणितीय अनुपात में चलती है, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर ज्यामितीय अनुपात में चलती है, गुणात्मक चलती है, जबकि ये एडिशन में चलता है, गणितीय अनुपात में चलता है, 1, 2, 3, 4, जैसे 1 है, एक सपोज इस साल अगर एक करोड़ किलो अनाज का उत्पादन हो रहा है तो 25 वर्ष के बाद वो हो जाएगा 2 करोड़, उसके बाद होगा 3 करोड़, उसके बाद होगा 4 करोड़, लेकिन जनसंख्या मल्टीप्लाई होती है। ये इस प्रकार जितनी अवधि में एक देश की जनसंख्या 16 गुना बढ़ेगी, उसी अवधि में खाद्य सामग्री का उत्पादन केवल 5 गुना ही तीव्र गति से बढ़ेगी। तो इसके कारण क्या होगा, देश में भूखमरी, बेकारी, संघर्ष, युद्ध, अपराध और अनेक बुराइयां जन्म लेगी। तो ये, और तीसरा, जनसंख्या नियंत्रण। पहला जनसंख्या, माल्थस का सिद्धांत तीन आधारों पर है। पहला सिद्धांत था जनसंख्या में वृद्धि दर, तीन आधार हैं माल्थस के। पहला, जनसंख्या में वृद्धि दर कैसे होती है, ज्यामितीय अनुपात में। उसके बाद माल्थस बोलते हैं खाद्य सामग्री में वृद्धि होती है अंगणितीय अनुपात में। जनसंख्या नियंत्रण माल्थस के अनुसार तीसरा है, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या को नियंत्रण करने के माल्थस के अनुसार दो उपाय हैं। एक है पॉजिटिव चेक, जिसे नैसर्गिक प्रतिबंध कहते हैं, और दूसरा है प्रिवेंटिव चेक, निवारक निरोध कहते हैं। प्रिवेंटिव चेक यानी निवारक निरोध। नैसर्गिक प्रतिबंध या पॉजिटिव चेक इस प्रकार का प्रतिबंध प्रकृति द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार के प्रतिबंध में मृत्यु दर बढ़ जाती है। जब किसी देश में खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या अत्यधिक बढ़ती है तो प्रकृति से रोकने के लिए बाढ़, भूकंप, प्लेग, महामारी, अकाल, अनावृष्टि, भूखमरी, बहुत सारे प्राकृतिक प्रकोप जो है ना जन्म लेती है, तो इसे जनसंख्या नष्ट होती है और वांछित मात्रा में जनसंख्या बनी रहती है जितनी चाहिए। तो इस प्रकार उनका ये कहना है कि ऐसा होता है। और इसमें कृत्रिम जन्म दर कम होती है, निरीक्षक प्रतिबंध है, और दूसरा है कि निवारक निरोध प्रतिबंध, निवारक प्रतिबंध, जो आदमी जो जनसंख्या अपनी इच्छा के अनुसार उसको कम करता है, जैसे उसके बहुत सारे साधन हैं जनसंख्या रोकने के, जैसे परिवार नियोजन प्रोग्राम जो भारत में चलता है, बहुत सारे हैं,
तो वो सारे प्रोसेस जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से जनसंख्या को रोकता है। रॉबर्ट माल्थस का जन्म 1786 में इंग्लैंड में हुआ था। ये अर्थशास्त्र के प्रतिपादक एडम स्मिथ के अनुयायी और परंपरावादी अर्थशास्त्र को लोक विश्रुत विद्वान अर्थशास्त्री थे। इनके पिता का नाम बिनाइल माल्थस था, जो संपन्न घराने के थे। माल्थस की शिक्षा दीक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई। शिक्षा प्राप्ति के बाद स्थानीय गिरजा घर में वो पादरी नियुक्त हुए। यहीं से उन्होंने विश्व को जनसंख्या वृद्धि के भयंकर परिणामों से अवगत कराने का एक लेख 1798 में लिखा, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एज इट अफेक्ट द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी विथ रिमार्क्स ऑन द स्पेकुलेशन मिस्टर गॉडविन एनदर राइटर। तो जिसमें आधार स्पष्ट किया गया कि खाद्यान्नों की तुलना में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके परिणाम भयंकर होंगे। विचारों में निराशावादी के साथ माल्थस को बहुत सारे आलोचना झेलने पड़ी उस समय के लोगों से। जनसंख्या सिद्धांत से जुड़े उनके 6 निबंध प्रकाशित हुए। ये सब चीज है। और उस समय की इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति कैसी थी, माल्थस के जनसंख्या संबंधी विचार परिपक्व हो रहे थे। वो एक ऐसा समय था जिसमें इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब थी। इंग्लैंड एवं निकटवर्ती स्थानों में अकाल, बीमारियां, गरीबी, गंदगी, बेरोजगारी, ऐसी चीज़ें थी भयावह। तो आप कहते हैं ना कि कोई भी विद्वान जो होता है वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही होता है। परिस्थितियाँ वैसी होती है तो उस तरह के सोच बनते हैं। तो इंग्लैंड की परिस्थिति ऐसी थी, तो माल्थस ने देखा कि अकाल हो रहा है, लोगों को खाने को नहीं है, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो लोगों को आगाह किया। और औद्योगिक क्रांति का युग था माल्थस का, तो औद्योगिक क्रांति के कारण जो है आर्थिक असंतुलन हो गया, अव्यवस्था फैल गई, पूंजीवादी व्यवस्था के दोष समाज में उभर कर सामने आने लगे। पूंजीवादी वर्ग, पूंजीपति वर्ग श्रमिकों का शोषण कर रहा था। ऐसी इन सारी चीज़ें उस समय के समाज में थी। तो तब माल्थस ने ये थ्योरी दी। तो माल्थस का जो जनसंख्या का जो सिद्धांत है मेनली वो 3 बिंदुओं पर आधारित है। और उन्हीं 3 बिंदुओं को मेनली खाद्यान्न और जनसंख्या और उन दोनों के संतुलन पर। तो माल्थस की मान्यता है, मान्यताएं को समझिए, माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के कुछ मान्यताओं पर आधारित है कि स्त्री पुरुषों के बीच काम भावना स्वाभाविक है। इस प्रकार पुरुष की प्रजनन शक्ति तथा संतान उत्पत्ति की इच्छा स्थिर रहती है, वो कभी रुकती नहीं है, क्योंकि पुरुष का अनावरत और निरंतर चलने वाला इच्छा है। माल्थस की ये मान्यता है। तो निरंतर चलने वाली इच्छा होगी तो जाहिर सी बात है बर्थ रेट बढ़ेगा। ये शिक्षा तथा सभ्यता की प्रगति से अप्रभावित है। को जीवित रहने के लिए भोजन अनिवार्य तथा कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। आर्थिक संपन्नता में वृद्धि के साथ साथ मनुष्य में संतान उत्पादन की इच्छा भी तीव्र रहती है और तथा जीवन स्तर में कमी होने पर घटती है। अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से माल्थस के सिद्धांत को हम निम्नलिखित बिंदु पर देखते हैं। जनसंख्या ज्यामिति अनुपात से बढ़ती है। माल्थस का यह सिद्धांत है 25 वर्ष में जनसंख्या दुगुनी हो जाती है। खाद्य सामग्री अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है और ये 25 वर्ष में 1, 2, 3, 4, 5 अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है, जो संक्षेप में हमने बताया है। जनसंख्या खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा होना तय है, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और खाद्य सामग्री अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है। तो उसमें होता क्या है कि जनसंख्या जो है 16 गुनी वृद्धि हो जाती है, जबकि 5 वर्षों में खाद्य सामग्री 5 गुनी वृद्धि होती है, जबकि 5 वर्षों में अगर 5 बार में अगर हम देखेंगे तो जनसंख्या 16 गुनी बढ़ जाती है। 5 गुने 25 साल को एक बार आप देखें तो इस तरह से आप ये देखिएगा कि 5 अंतराल में जनसंख्या 5 गुनी, 5 अंतराल में जनसंख्या
16 गुनी और 5 अंतराल में खाद सामग्री 5 गुनी बढ़ती है, यानी खाद 1 किलो है तो 5 किलो बढ़ेगा, जनसंख्या 1 है तो 16 हो जाएगा। और जनसंख्या पे प्रतिबंध को लेकर के उन्हें पॉजिटिव और नेचुरल चेक और प्रिवेंटिव चेक की बात की। पॉजिटिव चेक अकाल है जो नेचुरल होता है, अकाल है, बाढ़ है, लैंडस्लाइडिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। अब प्रतिबंधात्मक चेक में माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण का ये प्रतिबंध मानवीय प्रयत्न को माना, क्योंकि प्रकृति प्रतिबंध मानव के लिए अत्यंत दुखद एवं कष्टकर होता है, अतः मनुष्य को प्रतिबंधक अवरोधों से जनसंख्या पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। ये अवरोध भी दो तरह के हैं, एक है नैतिक प्रबंध। वास्तव में नैतिक प्रबंध को ही माल्थस ने प्रतिबंधात्मक अवरोध के रूप में मान्यता दी, जो मनुष्य अपने विवेक से जनदर को रोकने के लिए करता है, जैसे समय, ब्रह्मचर्य, विलंब से विवाह, देर से शादी करना, ये सारी चीज़ें जिसमें अलग से कुछ करना नहीं पड़ता, नैतिक नियंत्रण होता है। और कृत्रिम साधनों से अवरोध, इनके अंतर्गत जन नियंत्रण के उन समस्त मानव निर्मित साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें आज संतति निग्रह के साधन कहते हैं। माल्थस ने इन्हें अधर्म या पाप माना है, वह इन प्रयोग का विरोधी था। इस प्रकार पादरी होने के नाते माल्थस ने केवल नैतिक प्रतिबंधों को अपनाकर जनसंख्या को कम करने का सुझाव दिया। उसने सुझाव रखा था कि जनसंख्या बढ़ाने में लोगों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे विवेक से काम ले, भविष्य पर बिना गंभीरता से विचार के विवाह के लिए आतुर न हो। अब आप माल्थस के सिद्धांत से परिचित हो चुके हैं, तो इनके सिद्धांत को संक्षेप में आप देख लीजिए। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत ज्यामितीय दर से बढ़ती है, खाद्यान्न अंगणितीय बढ़ती है, और नैसर्गिक और प्राकृतिक प्रतिबंध होता है, ये दो तरह का है। माल्थस के सिद्धांत की व्याख्या मार्शल द्वारा की गई। मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा कि माल्थस का कथन है कि श्रम की मांग उपलब्ध खाद्यान्नों की मात्रा द्वारा निर्धारित होती है। चूंकि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है, फलतः श्रम की मांग होने वाली वृद्धि श्रम की पूर्ति से कम रहती है। श्रम की मांग के विचार को स्पष्ट करते हुए मार्शल कहते हैं कि प्रकृति मनुष्य को उसके कार्य की वृद्धि में उत्पादन प्रदान करती है, जो कि जनसंख्या के लिए मांग है। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने पर भी श्रम की मांग में अनुपातिक वृद्धि नहीं होगी। इनका मानना है कि यदि जीवन निर्वाह के साधन सीमित न होते, महामारी, बीमारी, युद्ध, शिक्षकों, शिशुओं का पद और संयम द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित न किया जाता, तो जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती, क्योंकि मनुष्य अधिक उपजाऊ रहा है। इस प्रकार प्रोफेसर मार्शल ने यह स्वीकार करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का भूतकालीन इतिहास भविष्य में भी अपने आप को दोहराता रहेगा, और निर्धनता, भुखमरी तथा अन्य अत्यंत कष्टदायक प्राकृतिक अवरोधों द्वारा जनसंख्या नियंत्रित होगी यदि उसे संयम, विलंब विवाह ऐसे ऐच्छिक एवं नैतिक साधनों द्वारा नहीं रोका गया। और माल्थस के सिद्धांत की काफ़ी आलोचना भी हुई है, तो हम थोड़ा सा माल्थस के सिद्धांत की आलोचना देखेंगे। माल्थस के सिद्धांत की आलोचनात्मक मूल्यांकन, माल्थस के सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा निकोलसन, माल्थस के विश्वविख्यात निबंध प्रकाशित होते ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। इस तरफ जहां एक तरफ जहां कोसा, मार्शल, एली, टॉसिंग, कॉर्बर, पैटन, प्राइस, वुल्फ, क्लार्क, वाकर आदि विद्वानों ने विचारों का समर्थन हुआ, तो दूसरी तरफ गॉडविन, मोम्बर्ट, ओपेनहाइम, ग्रे तथा कैनन आदि की कटु आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। गॉडविन ने तो निबंध के प्रकाशित होने के तत्काल ही प्रत्युत्तर में कहा, एक काला भयानक राक्षस मानव जाति की आशाओं का गला घोटने के लिए सदैव तत्पर है। इस प्रकार उनके सिद्धांतों के लेकर उग्र विवाद उठ खड़ा हुआ, लोगों ने उसे बुरा भला कहा। प्रोफेसर अलेक्जेंडर ग्रे ने यहाँ तक लिख डाला कि यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अभी तक किसी भी सम्मानित नागरिक की इतनी बदनामी तथा आलोचना नहीं हुई जितने कि माल्थस की प्रथम श्रेणी के लेखकों में किसी के विचारों का इतना अधिक खंडन नहीं किया गया। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि माल्थस के विचार तत्कालीन परिस्थितियों में व्यापक सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं के प्रतिकूल थे,
निकोलसन ने लिखा, जिस प्रकार डार्विन ने मानव जाति के उद्गम संबंधी प्राचीन धार्मिक विश्वासों को तोड़ दिया था, उसी प्रकार माल्थस ने मानव जाति के भविष्य के स्वरूप संबंधी विश्वासों को पूर्णतः बदल दिया है। तो इस प्रकार आप जानते हैं, किसी भी सिद्धांत की, किसी भी विचार की आलोचना होती है, और माल्थस भी इससे अलग नहीं थे, माल्थस की भी आलोचना काफ़ी हुई। तो ये रहा जनसंख्या संबंधी माल्थस के सिद्धांत। उसके बाद हम लोग अगले अध्याय में जानेंगे कुछ और सिद्धांत, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। और हालांकि देखिए, कोई भी सिद्धांत अपने आप में काफ़ी, माल्थस ने एक वैज्ञानिक तरीके से जनसंख्या को और जनसंख्या का विश्लेषण किया, भविष्यवाणी प्रस्तुत किया, प्रगतिशील और उन्नत देशों को के बारे में बताया, किस प्रकार उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया। इसके बावजूद कि आलोचना तो होती ही है, और आलोचना के लिए किसी भी वैज्ञानिक को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विचार को, किसी भी थ्योरी को हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो किसी भी सिद्धांत का, किसी भी विचार का दो पक्ष होता है, आलोचना भी होता है और प्रशंसा भी होती है। लेकिन समीक्षा ये है कि इतने आलोचना के बाद भी माल्थस एक महान वैज्ञानिक है। जनांकीय सिद्धांत में बिना माल्थस के हम बात नहीं कर सकते हैं। किसी भी किताब में जनांकीय सिद्धांत में बिना माल्थस की बात के कोई और बात ही नहीं होती। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।